डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। उसका नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर यानी कि पूंजी संरचना। आप ये जानते हैं कि कोई भी फर्म जो उसके सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं या जिस तरह से उनकी पूंजी बनती है, जिस तरह से वो काम करते हैं, उनके जो भी वित्तीय साधन वगैरह होते हैं, वो बेसिकली होते हैं डेट और इक्विटी के बारे में। अब पूंजी संरचना क्या है? जैसे कि किसी भी फर्म, बिल्डिंग, आपका शरीर जो है उसकी एक संरचना होती है ना, एक स्ट्रक्चर होता है। कोई बिल्डिंग होती है उसका स्ट्रक्चर होता है। अब स्ट्रक्चर कई तरह के मटेरियल्स वगैरह पर लेट डाउन होता है। उसके अंदर कितना सीमेंट है, कितना उसमें बिल्डिंग में क्या क्या मटेरियल यूज हुआ है, कि कौन सी उस तरह की रूफ है, ये सब उसका स्ट्रक्चर होता है। और इसका राइट कंपोजिशन होना चाहिए, तभी अच्छी बिल्डिंग बनती है। ठीक वैसे अगर आपको बढ़िया ढंग से कंपनी चलानी है, सेफ सिक्योर रहना है, तो आपका ये जो पूंजी की संरचना है, ये स्ट्रक्चर है, उसी तरह से सिक्योर होना चाहिए। तो उसमें भी राइट कंपोजिशन ऑफ इक्विटी और डेट होना चाहिए। यानी कि जो ऋण ले रहे हैं या जो अंश पूंजी है, वो उसका भी एक बराबर रेशियो रहना चाहिए। ये पूंजी संरचना है। और इसमें हम पढ़ेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में, और फिर हम उसकी पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, क्या क्या अलग अलग थ्योरीज हैं पूंजी संरचना की। तो सबसे पहले कैपिटल स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, डेट और इक्विटी, इक्विटी और डेट, इस राइट कॉम्बिनेशन, जो कॉम्बिनेशन कैसे बने, क्या राइट मिक्स होना चाहिए, ठीक है, कितनी अंश पूंजी होनी चाहिए, कितने प्रेफरेंस शेयर्स होने चाहिए, कितने इक्विटी शेयर्स होने चाहिए, कितने डिपेंचर्स होने चाहिए, ऋण कितना लेना है, बाहर वालों पर कितना निर्भर रहना है, जो खुद अंशधारी हैं, जो मालिक हैं कंपनी के, वो कितना लगाएं, कितना रिटेन अर्निंग हो, इस प्रकार से जो उसकी जो स्ट्रक्चर है। अब एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है, जब हम बात करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की, कई लोग कंफ्यूज कर देते हैं इसको फाइनेंशियल स्ट्रक्चर से। वित्तीय संरचना और पूंजी संरचना में अंतर है। पूंजी संरचना यानी कैपिटल स्ट्रक्चर का जब हम बात करते हैं, तो वो है लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। क्या है? लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है, यानी कि दीर्घकाल के लिए है, लंबे समय के लिए है, एक लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है, वो दीर्घकाल के लिए है। तो उसमें जो है लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग आएंगे, जबकि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में करंट लाइबिलिटीज भी आती है। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर एक बड़ा स्वरूप है और कैपिटल स्ट्रक्चर उसका एक हिस्सा है। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग आते हैं। इसके अंदर सिर्फ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग आता है, करंट लाइबिलिटीज नहीं आती। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में करंट लाइबिलिटीज आती हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर में करंट लाइबिलिटीज नहीं आती। फिर एक और चीज आती है, इसको कहते हैं एसेट स्ट्रक्चर, एसेट स्ट्रक्चर। अब उसके बारे में भी बता दूं, जो पूरा जो राइट साइड है बैलेंस शीट का, वो होता है एसेट स्ट्रक्चर। उसके अंदर क्या है, आपके करंट एसेट्स वगैरह भी आते हैं, यानी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग दोनों। लेकिन जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो ध्यान रखिए ये हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग की, यानी कि दीर्घकालीन के लिए। जब हम जो वित्त वगैरह है, जो हमारे सारा सोर्स फाइनेंस है, वो अंश से आएगा, किरण से आएगा। क्या कंपोजिशन होगा, अंश भी कौन से, प्रेफरेंस शेयर्स होंगे कि इक्विटी शेयर्स होंगे, कौन से। तो इसकी जो संरचना है, इसको कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर, और ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। एक और टर्म आती है इसमें, कैपिटलाइजेशन, ठीक है। तो कैपिटलाइजेशन और ये जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, इसको एक ही मानते हैं, सिमिलैरिटी मानते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि कैपिटलाइजेशन क्या है, अमाउंट है, यानी कि क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है। कैपिटल स्ट्रक्चर संरचना है, ये क्वालिटेटिव सब्जेक्ट है, यानी गुणात्मक एक सब्जेक्ट है जो हम पढ़ रहे हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर थ्योरीज आएंगी आगे, वो हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने कैपिटल स्ट्रक्चर यहाँ पढ़ा। अब आपको पता है इक्विटी और डेट दोनों के अपने अपने फायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं। आप प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं कि इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं, दोनों का अलग अलग फायदे नुकसान है। उसके बाद हम डेट पे जाते हैं, तो उसके भी फायदे नुकसान है। अब अगर हम ट्रेड ऑन इक्विटी करते हैं, यानी कि हम बाजार से ज्यादा डेट लेते हैं, तो उसके कई फायदे होंगे कि जो इक्विटी शेयर की प्राइस होती है, यानी जो हम अंशधारियों को देना पड़ता है, प्रॉफिट देना पड़ता है, डिविडेंड देना पड़ता है, उसके मुकाबले बाजार से अगर हम उधार लेते हैं, ऋण लेते हैं, तो उसकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो सस्ती होती है। लेकिन उसमें नुकसान भी है कि अगर फर्म की अर्निंग नहीं हुई, तो उनको कहां से पैसा देंगे। तो कैपिटल स्ट्रक्चर ये ध्यान रख के बनाया जाता है कि
सभी तरह से रिस्क भी, रिटर्न भी, कंट्रोल भी। कंट्रोल जैसे मान लीजिए अगर आपने बहुत ज़्यादा शेयर इशू कर दिए तो जो ओरिजिनल जो शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के उनका कंट्रोल डाइल्यूट हो जाएगा ना। जितने ज़्यादा शेयर होल्डर होंगे उनकी अर्निंग पर शेयर भी कम हो जाएगी, उनको कम हिस्सा मिलेगा, उनकी वोटिंग राइट्स भी डिवाइड हो जाएंगे। अगर रन लेते हैं तो उसमें रिस्क भी रहता है। रिस्क है, कंट्रोल है, आपका कितना नियंत्रण रखना चाहते हैं। अगर आप ज़्यादा नियंत्रण रखना चाहते हैं तो कम शेयर इशू होंगे, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर का कंट्रोल होता है तो आपको हो सकता है आपके हाथ से कंट्रोल भी चला जाए। अगर आप रन ज़्यादा लेते हैं तो उसमें क्या है, आपको पूरा उनको इंश्योर करना पड़ेगा, रिटर्न देना। तो अगर अच्छी अर्निंग आ रही है, अच्छा पैसा कमा रही है कंपनी, लंबे समय तक जा सकती है, उसको बाजार में अच्छी क्रेडिट रेटिंग है, तो वो डिबेंचर्स इशू कर सकती है, वो सस्ता पड़ेगा। अब ये जो रिस्क है, रिटर्न है, कंट्रोल है, इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए कॉस्ट ऑफ कैपिटल को वो भी हम पढ़ें, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को ध्यान में रखते हुए कैपिटल स्ट्रक्चर बनाया जाता है। यहाँ महत्वपूर्ण क्यों है ये पूंजी संरचना, कैपिटल स्ट्रक्चर, ये अगर सही बना होगा, अगर बिल्डिंग में मटेरियल, मतलब मटेरियल तो सारा यूज होता है, ये तो एक सामान्य बात है कि सीमेंट भी लगेगा, सरिया भी लगेगा, बजरी भी लगेगी, तो किसी ने कैपिटल स्ट्रक्चर बनाते हुए कहा कि भाई रन भी ले लेंगे, इक्विटी भी ले लेंगे, जहां से जो मर्जी अपने को तो इतना पैसा चाहिए। अब उल्टा सीधा लगा लिया, फर्म की सिचुएशन समझी नहीं कि क्या क्या फैक्टर्स हैं, और बना लिया उसको, तो हो सकता है कंपनी दिवालिया हो जाए, कंपनी में नुकसान हो जाए, कंपनी की मुश्किलें पैदा हो जाएं। मान लीजिए अगर बहुत ज़्यादा रन ले रखा है और लंबे समय तक आपकी अर्निंग नहीं हो रही है, प्रॉफिट्स वगैरह नहीं आ रहे हैं, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को तो चुप कराया जा सकता है, डिबेंचर होल्डर अपना पैसा रिटर्न इंटरेस्ट मांगेंगे। मान लीजिए अच्छा आपके प्रोस्पेक्ट्स हैं और आपने बेमतलब रन ले लिया, तो हो सकता है आपको रन जो है महंगा पड़ जाए। अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं, अच्छी अर्निंग आ रही है, आप बहुत अच्छा अर्निंग कर रहे हैं, तो डिबेंचर्स ले सकते हैं। उससे क्या होगा, आप थोड़ा बहुत इंटरेस्ट में डिबेंचर होल्डर्स को दे देंगे पैसा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी कम पड़ेगी, उसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा और आपकी अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएंगे। तो कई फैक्टर्स देख के, कई फैक्टर्स को ध्यान में रख के हम कैपिटल स्ट्रक्चर बनाते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए इसकी थ्योरीज भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जैसे कि अगर गलत स्ट्रक्चर बनाया तो बिल्डिंग गिर जाएगी, ये गलत हो गया, इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन गलत हो गया तो कंपनी गिर जाएगी, इसीलिए हम कैपिटल स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। तो ध्यान रखिएगा आगे जब हम थ्योरीज वगैरह पढ़ेंगे तब, कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर और कैपिटल स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के अंदर करंट लायबिलिटीज भी आती है, एसेट स्ट्रक्चर जो होता है उसके अंदर जो राइट साइड और बैलेंस शीट आप मान लीजिए पूरी आ जाती है, इसमें करंट एसेट्स भी आते हैं और फिक्स एसेट्स भी आते हैं, जबकि हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की बात कर रहे हैं, तो एसेट स्ट्रक्चर में भी फर्क है। कैपिटल स्ट्रक्चर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का एक हिस्सा है।